हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा कि अमेजोन पर कूपन को कैसे रन करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। फर्स्ट हम जान लेते हैं कि कूपन वर्क कैसे करता है। जब भी हम अपना कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे नाइटीज़ परचेज करनी है, मैं आ गया हूँ नाइटीज पर, कस्टमर पेज पर आया हूँ, अमेजोन के कस्टमर पेज पर आया, मैंने नाइटीज सर्च करी, तो यहाँ देखिए सबके प्राइस दिख रहे हैं। प्राइस के साथ मुझे नीचे कुछ लिस्टिंगों में दिख रहा है सेव 60% विद कूपन। तो कूपन का मतलब यही होता है, जब भी आप कूपन रन करेंगे तो आपकी लिस्टिंग में हमेशा इस तरीके का ग्रीन कलर का शो करेगा, और जितने भी परसेंट आपने ऑफ दिया हुआ है, जितने भी रुपीस आपने ऑफ दिया हुआ है, वो आपको यहाँ शो करेगा। ठीक है, अमेजोन पे कूपन रन करने के दो बेनिफिट होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट होता है अमेजोन का एल्गोरिदम। जब भी अपनी लिस्टिंग में आपने कूपन रन किया हुआ है, तो अमेजोन का एल्गोरिदम उस चीज़ को ट्रैक कर लेता है और उसे ये पता लग जाता है कि आपकी लिस्टिंग में एक कूपन रन हो रहा है, जिससे आपके प्रोडक्ट को विजिबिलिटी थोड़ी सी हाई मिल जाती है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल लिस्टिंग। ठीक है, सेकंड जो बेनिफिट ये होता है कि जब भी कस्टमर आप परचेस करने के लिए आपका प्रोडक्ट जाता है, तो उसका जो अटेंशन है ग्रीन कलर देख के, उसका अटेंशन आपके प्रोडक्ट की तरफ खींचता है। तो ये दो बेनिफिट हैं जो कूपन लगाने के बाद हमें मिलते हैं। तो कूपन रन कैसे करते हैं, आइए बताता हूँ। सबसे पहले मैं आ गया अपने अमेजोन के सेलर पैनल पे। ठीक है, उसके बाद मुझे जाना है जिस भी लिस्टिंग में कूपन रन करना है। मान लीजिए मैं अपने इन्वेंट्री टैब में आने के बाद मैंने अपनी लिस्टिंग निकाली, लिस्टिंग के अंदर देखा, जैसे मान लीजिए मुझे इस कलर पे कूपन रन करना है, मैंने इस एसेंस को कॉपी किया। आपको आना है थ्री डॉट पे आने के बाद एडवर्टाइजिंग में आने के बाद आपको एक चौथा ऑप्शन मिलेगा कूपन्स पे, आपको क्लिक करना है। जैसे आप कूपन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, वन कूपन रन, ऑल कूपन्स, या एक्सपायर कूपन, जो भी आपके कूपन जब भी आपने रन किया होगा, जब भी उसकी टाइमिंग और डेट डाली होगी, तो जब वो टाइम पूरा हो जाता है तो कूपन एक्सपायर हो जाता है। अब कूपन क्रिएट कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड पर आना है, देखिएगा आपको क्रिएट न्यू कूपन, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपको सर्च के लिए दिखेगा सर्च बाय प्रोडक्ट नेम और एसेंस। अब मैंने एसेंस यहाँ से कॉपी कर रखा है कि जिस पे मुझे कूपन रन करना है। अब मैंने सिंपली यहाँ एसेंस पेस्ट किया और एंटर कर दिया। एंटर करने के साथ ही वो प्रोडक्ट मुझे शो करने लगेगा। मुझे क्या करना है, इस टिक पे क्लिक करना है, और टिक पे क्लिक करने के साथ कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा आपको राइट हैंड साइड में, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको आएगा सेट शेड्यूल, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। स्टार्ट डेट मान लीजिए मुझे आज से ही स्टार्ट करना है, आज के डेट डाल दी, और एंड कब करना है, चाहे मैं सिर्फ एक महीने के लिए लगा सकता हूँ, चाहे मैं दो महीने के लिए लगा सकता हूँ, चाहे मैं चार दिन के लिए भी लगा सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए सेप्टेम्बर में मैंने स्टार्ट किया, अब मैं अक्टूबर में 31st तक क्लोज करना चाहता हूँ। ठीक है, स्टार्ट टाइम एंड टाइम हम डाल सकते हैं यहाँ पे इजीली। उसके बाद आता है सेट डिस्काउंट। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत बारीकी से समझिएगा, यहाँ पे दो तरीकों की चीज़ें दी हुई हैं, एक दिया हुआ है मनी ऑफ, एक दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ। परसेंटेज ऑफ मनी ऑफ का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट अगर 250 रुपये का है, तो आप सीधा मनी ऑफ पे क्लिक करके आप ये लिख सकते हैं कि 250 का प्रोडक्ट अगर कोई कस्टमर मेरा कूपन अप्लाई करता है, तो उसे अगर जैसे कूपन आपने मनी ऑफ में रखा हुआ है 40 रुपीज़, और आपका प्राइस है 250 रुपीज़, तो कस्टमर जब भी इस कूपन के थ्रू आपका प्रोडक्ट परचेस करेगा, तो उसे 40 रुपीज़ लेस करके मिलेंगे, मतलब 210 का उसे प्रोडक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, एक आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, और दूसरा है परसेंटेज ऑफ। अब परसेंटेज ऑफ में ये होता है कि आपने कितने परसेंट का ऑफ लगाया हुआ है, जैसे आपका प्राइस जो है 250 रुपीज़ का है, आपने इसमें लगाया 5%, तो कस्टमर जब भी इस कूपन को अप्लाई करेगा, तो उसे 250 का 5% लेस होकर मिलेगा। तो आप कूपन दो तरीके से लगा सकते हैं, मनी ऑफ और परसेंटेज ऑफ। तो मैं आपको यहाँ पे मनी ऑफ परसेंटेज ऑफ दिखा देता हूँ। परसेंटेज ऑफ में मैंने 5% डाल दिया, अगर मैंने 250 का प्रोडक्ट है तो कस्टमर को 5% लेस करके मिलेगा। ठीक है, उसके नीचे देखिए एक टिक मार्क होगा, लिमिट रिडेम्पशन टू 1 पर कस्टमर, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं कि एक कस्टमर को एक ही बार मेरे कूपन रिडीम कर पाए, या एक कस्टमर लिमिटेड टाइम, मतलब जितनी बार वो ऑर्डर करे उतनी बार मेरे कूपन रिडीम कर ले। अगर आपको आप ये चाहते हो कि एक एक कस्टमर मेरा कूपन एक ही बार अप्लाई कर पाए,
तो आपको यहाँ टिक करना है। और अगर चाहते हो नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, एक कस्टमर 50 बार भी मेरा ऑर्डर लगाए और 50 बार कूपन अप्लाई करे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे अनटिक कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मोस्टली लोग अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं तो इस वजह से वो 1 सिलेक्ट करके रखते हैं। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप टिक भी कर सकते हैं, अनटिक भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि एक कस्टमर 50 बार ऑर्डर लगा ले कूपन के साथ, तो आप अनटिक करके छोड़ दीजिए। और अगर आप चाहते हो नहीं, एक कस्टमर एक ही बार लगाए, तो आप इसे टिक कर दीजिए। तो यहाँ मैंने टिक कर दिया। आप देखिए, आप उसके नीचे जैसे आप आएंगे आपको दिखेगा मिनिमम बजट, तो आपको यहाँ अपना बजट रखना है। तो मिनिमम दिखा है 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ आपको यहाँ डालना ही है। अभी मिनिमम बजट क्या होता है, जब मिनिमम बजट का मतलब, जब भी आपके कूपन के थ्रू किसी भी कस्टमर ने ऑर्डर परचेस किया, तो आपने 5% का जो ऑफ दिया हुआ है, वो 5% आपके 1000 रुपीज़ में से लेस होता रहेगा। आप यहाँ बजट बढ़ा भी सकते हैं। आपका ये मान लीजिए 5% है, 20-30 कस्टमर ऑर्डर करेंगे, आपका जो मिनिमम बजट है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कूपन एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम बजट मैंने 1000 रुपये डाल दिया। कूपन टाइटल, अब कूपन टाइटल में आप कुछ भी डाल सकते हो, कूपन के टाइटल कुछ भी लिख सकते हो। बट मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा कूपन टाइटल में ईसीएन नंबर डालता हूँ। ईसीएन नंबर डालने का बेनिफिट क्या होता है, ईसीएन नंबर डालने का बेनिफिट ये होता है, जब भी आप कूपन रन करते हो, आपने बहुत सारे ईसीएन पे कूपन रन किया, आप कितने नाम डालोगे, आपको कूपन 1, कूपन 2, कूपन 3, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा जब बाद आप दोबारा, जैसे आपका कूपन एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप दोबारा जाओगे कूपन रन करने, तो आपको पता ही नहीं होगा कि यार किसी मैंने कूपन रन किया था कि नहीं किया था। तो मैं क्या करता हूँ उस समय, अभी मैं कूपन टैब में आपको जाकर दिखा दूंगा कि मैं वहाँ से सर्च कर लेता हूँ, सीधा ईसीएन नंबर डाल के सर्च कर लेता हूँ, यार इस पे तो ऑलरेडी कूपन रन हो रखा था, एक्सपायर हो गया, मैं उसे दोबारा से रन कर देता हूँ, ठीक है। तो कूपन टाइटल में आप कुछ भी डाल सकते हो, बट मैंने ईसीएन डाल दिया, ठीक है। अभी लिखा टारगेटेड, अब ऑल कस्टमर अमेजन प्राइम मेंबर, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ प्राइम मेंबर वाले मेरे कूपन को अप्लाई कर सकें, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। बट बेनिफिट ये है कि आप ऑल कस्टमर के लिए करके रखो, प्राइम नॉन प्राइम मेंबर दोनों के लिए बेस्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपको ये इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, आपको डिटेल्स दिखाएगा, कूपन रन किया है आपने 5% का, टाइटल ये दिया हुआ है, डिस्काउंट 5% का, बजट आपका इतना है, शेड्यूल आपका टाइम इतने से इतने स्टार्ट है, टारगेट आपका ऑल कस्टमर टारगेट है, 1 रिडीमशन पर 1 कस्टमर, यस मतलब एक कस्टमर मेरा कूपन एक ही बार रिडीम कर सकता है, ये भी मैंने सेलेक्ट कर रखा है। इसको डिटेल को चेक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, देखिए आपको लिखा रहा है वी हैव रिसीव योर कूपन सबमिशन, यू विल बी एबल टू एडिट योर कूपन अप टू 6 आवर बिफोर स्टार्ट डेट। अब आपका ये कूपन सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है, 15 से 20 मिनट के बाद आपका कूपन रन हो जाएगा और आपको आपकी लिस्टिंग में इस तरीके का ग्रीन कलर का शो करने लगेगा, जैसे यहाँ पे इस कस्टमर को दिख रहा है। अब कूपन टाइटल जो मैंने डाला था, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। कूपन देखिए, अब यहाँ पे दिखा रहा है ऑल्स में 2 हो गए, रनिंग में 1 है। अभी जो मैंने अप्लाई किया है वो अभी 15 मिनट बाद अपडेट होगा, तो वो भी यहाँ रनिंग में शो करने लगेगा। जैसे कभी एक्सपायर हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा सर्च में आके कूपन नेम डाल के, कूपन का टाइटल डाल के मैं देख लेता हूँ कि यार मेरा कौन सा कूपन रन है, मैंने इस पर कब रन किया था, ऑल पे आके तुरंत मुझे मिल जाएगा। इसके बाद मुझे ऐसा नहीं कि बार बार एसएन पे कूपन रन करना पड़ेगा, मैं टाइटल सीधा एसएन नंबर ही डाल के रखता हूँ, जिससे बेनिफिट ये होता है कि मैं कभी भी जाके सर्च कर लेता हूँ, जो भी उसका स्टेटस होता है वो यहाँ शो करने लग जाता है, देखता हूँ अगर एक्सपायर हो गया तो इसे दोबारा से जाके एडिट करके रन अगेन कर देता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर, और बाकी आप किसी और चीज़ की टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।